नहीं जल्दी पियो, और भी लोगों को पिलाना है मुझे। ये ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? अल्लाह का सब लोग खैरियत है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत है। और आज है मदीना में हमारा आखिरी दिन, पता नहीं लाइफ में कभी मुलाकात होगी भी नहीं, अल्लाह करे हम हर साल आए, बार बार आए, और हर जो यहाँ आना चाहते हर किसी को यहाँ आने का मौका मिले। तो आज हम मदीना में, यहाँ पे हम अभी अंदर आ रहे हैं। ये बहुत सुबह का टाइम है, जैसे कि फजर के बाद का टाइम है। हमने नमाज पढ़ के नाश्ता वाश्ता करके अभी फिर से हम वापस आए। ये करीबन 8:30 बजे तक है, इतनी अच्छी रोशनी हो रही थी क्योंकि हम अभी रियाजुल जन्ना में जाने वाले हैं। एक्चुअली वो जगह है जो जहाँ पे नबी जी की कब्र है, वहाँ के पास एक जगह है जहाँ पे आपको जन्नत के टुकड़े मिलते हैं, जहाँ पे आपको नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो लड़कों के लिए रात के टाइम खुला रहता है, जैसे कि 3 बजने के बाद, और लड़कियों के लिए फजर के बाद से लेके 10 बजे तक खुला रहता है। तो फाइनली आज हम एंट्री करने वाले, और जो सामने जा रहे थे हम बहुत घूम के, पहले जो जहाँ पे हमें एंट्री करना था उधर से ना करके हमने एग्ज़िट की तरफ चले गए, तो फिर से घूम के वापस हमें एंट्री की तरफ आना पड़ा। पर हम जितना भी घूम रहे थे, जितना पैरों में दर्द हो रहा था, उतना ही खुशी मिल रही थी कि हम अपनी नबी जी के करीब और भी ज़्यादा जा रहे हैं, और उतनी खुशी भी फील हो रही थी। और हालांकि हमारे पैरों में बहुत दर्द था, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज उम्रा के लिए निकलने वाले, आज हमारा नियत होगा, नियत करके उम्रा के लिए निकलने वाले। तो हमें बॉडी में भी एनर्जी चाहिए, जो हम नियत के टाइम भी और उम्रा के टाइम भी हमारे बॉडी में थोड़ी सी ताकत हो, ताकि हम पूरा उम्रा कंप्लीट कर पाए इंशाल्लाह। तो हम अभी मस्जिद के अंदर एंट्री हो गए, और यहाँ पे पूरा सीधा सीधा जाके हमें अपना नबी जी का कब्र दिखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ के जा रही थी, क्योंकि हम बहुत दुआ मांगते हैं, बहुत चीज़ें देखने से पहले, फर्स्ट देखने से पहले भी हमें दुआ मांगते हैं, सलाम करते। तो हम अभी पढ़ पढ़ के धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे, और मैं सोच रही कि मेरे माइंड में क्या था कि मैं दुआ करूँगी बहुत सारी चीज़ें ये वो। तो जब मैं अंदर गई ना, तो मेरा पूरा माइंड ब्लैंक हो गया, देखते कि क्या होता है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं, और हमने पहले ही सब कुछ छोड़ के हमने 2 रकात नमाज पढ़ ली शुक्राना अदा की, और पहले नबी जी और जितने सारे यहाँ पे है जो जिनके कब्र है उनको हमने सलाम अदा करी। उसके बाद हमने 2 रकात नमाज पढ़ के हमने थोड़ा दुआ मांगी, जितना हो सके हमने उतना दुआ मांगी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम था। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए देखने शुरू कर दी, और इतना इमोशनल था वो सीन कि क्या बताओ। पहली बार जब कोई देखता है ना, तो पूरे बॉडी में एकदम, मतलब फीलिंग्स वो अलग हो जाती है, और इमोशन तो भर भर के आता है। मुझे पता नहीं था कि मैं इतने सारे, मतलब मैं बहुत कम रोती हूँ, पर जब से मैं यहाँ के सामने आई नबी जी की कब्र के सामने, मेरा रोना ही कंट्रोल नहीं हो रहा था, आँखों में ऐसे आंसू आ रहे थे बहुत सारे। और उस तरफ मेरे हस्बैंड भी उस रियाजुल जन्ना में एंट्री करने कर रहे थे, वो जो टुकड़ा है उसमें नमाज पढ़ने के लिए, और उनके साइड पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ज़्यारत के टाइम लड़कियों को अलाउ नहीं है ना ज़्यारत करना, तो बस लड़कों के लिए वो ज़्यारत वो होता है, उसके बीच ही एक पर्दा होता है, साइड पर हम नमाज पढ़ते। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने सब कुछ अच्छे से देख लिया, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है सब कुछ हो गया, और हमने नमाज भी पढ़ ली। हालांकि उस टुकड़े के उस पास या ऊपर हमने नमाज
पढ़ने का मौका नहीं मिला, पर उसके आसपास हमने नमाज पढ़ ली, उस वही बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे ना एक जिनको पता है तो पता है, जिनको नहीं पता कि मैं बता दूँ कि यहाँ पे और एक कब्र खाली है जो इमाम मेहदी के लिए है। देखो कितना खुशनसीब है वो जो नबी जी के पास एक कब्र खाली रखा उनके लिए, जो लास्ट इमाम मेहदी आएंगे उनके लिए। तो बस अल्लाह करे हमारे हमें सबको यहाँ पे आने का मौका मिले, देखने का मौका मिले, और जितना हम अपने जड़ से जुड़े रहते ना, जो जो जानते देखने के बाद और भी चीज़ों को बहुत अच्छे से फील कर पाते, हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जान पाते। और ये जो पर्दा है ना, वो सामने पर्दा उस साइड पे हम हैं, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ज़ियारत कर रहे हैं और नमाज़ पढ़ के, उन्होंने भी, मैंने उनको बोला कि मेरे लिए भी बहुत सारे दुआ करना क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपने लिए खुद दुआ करना भूल ही जाते हैं। एक्चुअली मैंने जो जितने सारे दुआ किए, मैं अपने लिए मतलब मैं भूल ही गई मैं अपने लिए क्या दुआ मांगूँ। मैं सबके लिए मांगी पर मैं अपने खुद के लिए मांग ही नहीं पाई। उसके बाद हम अपना दुआ मांग के हम एक एक करके उधर से निकल गए, और यहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़े, मैंने भी नमाज़ पढ़ के दुआ मांग के हम बाहर की तरफ निकल पड़े, क्योंकि अभी हम को बहुत सारे काम भी बाकी हैं। हमको भी लाइक मेरा हमारा पैकिंग भी करना है, और हमको 12 बजे से पहले हमें स्टेशन पहुँचना है और मक्का के लिए। तो उस वक्त मक्का के ट्रेन में शायद अभी टाइम है, तो हम अभी 9 बज चुके हैं, हमें जाके नाश्ता वाश्ता करके पहले काम करना, उसके बाद हम वो करेंगे, क्योंकि अभी नियत करके भी जाना पड़ेगा, और हमें नियत का जो चार्ट है उसको भी फिर से देखना पड़ेगा, वजू कैसे करते हैं वो सब कुछ देखना पड़ेगा। इसलिए हमारी मतलब जितना ताकत है उतना बचा के हम बाहर की तरफ निकल पड़े। और जब मैं बाहर जा रही थी, मुझे इतना बुरा फील हो रहा था, इतनी मतलब आँखों में आंसू आ गए थे कि फिर से मुलाकात हो भी कि नहीं, इंशाल्लाह सब करे कि सब जल्दी ही मुलाकात हो। उसके बाद हम मैंने आखिरी उनको सलाम दे के हम वापस अपनी तरफ आ गए, और यहाँ पे हमने थोड़े से कुछ बाहर लोग दुआ भी मांग रहे थे, तो हमने भी बैठ के थोड़ी देर के लिए कुछ दुआ मांग ली, और बस थोड़ी देर के लिए हमने इसको देखा, थोड़े से फ़ोटो खींचे, क्योंकि फ़ोटो एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में काम आएगा, जब हम देखेंगे कि हम यहाँ गए थे। और मैं अपनी बेटी को भी छोड़ के आई, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा सुकून से मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर के लिए दुआ भी मांग रही हूँ, और बस मतलब अल्लाह करे कि हम वापस आ जाए। दिल भी भरा हुआ था, पर इंशाल्लाह हम फिर से वापस आएंगे, फिर से देखेंगे, और इंशाल्लाह फिर से और ढेर सारे दुआ मांगेंगे। और बस हमने थोड़ा सा कुछ फ़ोटो भी खींच लिया, क्योंकि फ़ोटो भी कि घर वालों को भी थोड़ा सा फ़ोटो दिखवाना पड़ेगा ना कि हम यहाँ पे आए, और बच्चों के लिए भी सही है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तो अब हमको उनको भी दिखाना पड़ेगा। तो बस अभी हम घर की तरफ निकल पड़े, अब रूम की तरफ। हमने नियत सब कुछ कर ली, हमने अपना जितना कपड़े नॉर्मल कपड़े वो पहन लिए जो उम्रा के लिए चाहिए, और सबसे बड़ी बात उम्रा जब हम नियत कर लेंगे ना, उसके बाद जैसे कि लड़के लोग एहराम पहनते हैं, वहाँ आमाम हम कुछ भी पहन सकते, बस अपना चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई लोशन या तो अतर वाली चीज़ या खुशबूदार चीज़ अपने बॉडी पे ना होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका नियत थोड़ा सा कम नहीं होता उसका उम्र। तो आप बस दुआ मांगते रहे और घर की तरफ उम्र के लिए निकल पड़े। तो हमारा 12:30 बजे की ट्रेन थी, तो हम बस दुआ मांग के, मेरे मन में तो बस ये था कि मैं अल्लाह के घर के सामने जाऊंगी, ये मांगूंगी वो मांगूंगी, तो मैं बस वही सोची। तो सब कुछ जितना मैं मुझे पढ़ना आता था सब कुछ मैं पढ़ रही थी, और एक दुआ है जो उम्रा के जाते वक्त भी पढ़ते हैं, तो वो भी हम पढ़ रहे थे, उसको पढ़ के जा रहे थे। और फाइनली हमारा स्टेशन पहुंच गया, और मेरी बेटी भी बहुत आराम से खेल रही थी, और जो मेरी फ्रेंड की बेटी वो भी, दोनों बहुत मज़े से खेल रहे थे। तो बस हमको, और सबसे बड़ी बात, हमें इतनी भूख लग रही थी, पर अभी मक्का स्टेशन जाने के बाद शायद इंशाल्लाह खाएंगे, या तो हम एयरपोर्ट में भी स्टेशन ट्रेन के अंदर भी खाए कुछ। और आपको ये बता दो कि जो ट्रेन है ना यहाँ कर मदीना टू मक्का, इतने स्पीड में जाते कि क्या बताऊँ।
बहुत स्पीड में जाते, शायद 2 घंटे में आप मक्का पहुंच जाए। बस ये अल्लाह कर सब कुछ सही से हो जाए, क्योंकि मदीना में क्या हुआ हमारे साथ, जब हम मदीना फ्लाइट में जब हम रूम बुकिंग, हमारा पहला रूम बुकिंग हो गया था, पर जब हम होटल में पहुंचे तो उन लोगों ने बोला कि इतने सारे लोग थे, हमने आपका रूम किसी और को दे दिया। तो उस वक्त हमें बहुत देर टाइम तक वेट करना पड़ा, पर बस अल्लाह करे कि हम अब इस टाइम ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो, बस अल्लाह करे कि हम फटक से जाए, थोड़े रेस्ट करें, उसके बाद हमको उम्रा करने का मौका मिले, क्योंकि हम अभी ऐसा कुछ गलती से भी कुछ हमारे मतलब वो नियत ख़राब ना हो जाए, बस वही सोच के मैं बस वही सोच के हम जा रहे थे। और हमारा ट्रेन अभी चल पड़ा, स्टेशन इतना खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, ये शायद इलेक्ट्रिकल ट्रेन था, वरना इतने स्पीड में बहुत कम जाते, पर हम इतने स्पीड में गए, मुझे तो ऐसा फील हुआ, पहले तो लगा कि हम धीरे से जा रहे थे, पर जब एक ट्रेन क्रॉस कर रहे थे हमको, तो चुप करके वो क्रॉस हुआ, तो तभी हमें महसूस हुआ कि इतने स्पीड में जा रहा है वो, और हम बैठे भी बहुत अच्छे स्टाइल में, जैसे कि सामने दो आगे दो, ऐसे करके हमारा टेबल बीच में एक टेबल था, तो बहुत सुकून था। और ये हम मदीना को पार कर रहे, उसके बाद धीरे धीरे उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो गया, और लग करे हम सब खैरियत से पहुंच जाए। और दुबई सॉरी सऊदी इतना सुनसान था, इतना मतलब खाली जगह था, ट्रेन में बैठने के बाद सऊदी बहुत देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा खूबसूरत था, पर पूरा सुनसान, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुनसान दिख रहा, और इतना ड्राई मौसम था। वैसे भी मतलब अभी ऐसा हुआ कि हम अपने बच्चों को भी कुछ क्रीम वगैरह नहीं लगा पा रहे थे, कि उस अपने हाथ से लगाना पड़ गया ना, तो खुशबू भी उसका मतलब अपने हाथ पे चला जाएगा, तो इसलिए हम कुछ लगा नहीं पा रहे। और फाइनली हम पहुंच गए मक्का स्टेशन में, और सब लोग निकल रहे थे, तो बस हम अपना लगेज कलेक्ट करके उधर से निकले। मैं आपको पूरा स्टेशन, पूरा प्ले जो ट्रेन है वो नहीं दिखा पाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं वीडियो करूँ, तो इसलिए मैंने अंदर का दिखाया नहीं। और फाइनली हम पहुंच गए, और सबसे पहले जो मेरे हस्बैंड और बाकी सब हैं वो लोग नमाज के लिए गए, और हमें तो अभी लड़कियों को पता है ना कि हम कहीं पर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें पहले तो वॉशरूम करना पड़ेगा, उसके बाद हमें अपना मेरा मानना था कि मैं होटल जाऊंगी कज़ा पढ़ के, उसके बाद अपना नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि बच्चों के साथ भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और खाना भी बहुत, भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो ये सारे लोग लड़के लोग तो कहीं पे भी नमाज़ पढ़ लेते, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बस सब सामान मुझे समेट करके वो लोग गए नमाज़ पढ़ के, और अभी अल्लाह करे हम खैरियत से सब कुछ कर लें। आज के लिए बस इतना ही, होपफुली अब सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो देखे, उम्रा वीडियो जो जहाँ पे मैं पूरा ब्लॉग उम्रा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का वीडियो होगा ब्लॉग में, बस अब अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारे वीडियो देखें, ताकि मुझे और भी सब कुछ करने का फील हो, अच्छा लगे, और सपोर्ट भी मिले। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।